हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे स्वर संवाद के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ कॉन्सोनेंस। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो आइए हम जानते हैं। सामान्यतः संवाद का अभिप्राय है मेल या परस्पर, यानी कि आपस का मधुर संबंध है। जब दो स्वरों की संगति इस तरीके से की जाए, मधुर और कर्णप्रिय होती है, तो उसे एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ संवाद होना कहा जाता है। दोबारा देखिए, जब दो स्वरों की संगति मधुर और कर्णप्रिय होती है तो उसे एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ क्या कहा जाता है, संवाद होना कहा जाता है। यही आपका कॉन्सोनेंस है। पाश्चात्य संगीत में इसे जो है कॉन्सोनेंस की संज्ञा दी गई है, यानी कि अगर हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो ये स्वर संवाद कहा जाता है, और यही हम वेस्टर्न म्यूजिक की यानी कि पाश्चात्य संगीत की बात करते हैं तो इसे कॉन्सोनेंस कहा जाता है। जब दो स्वरों की सम्मिलित ध्वनि सुनने में अप्रिय प्रतीत हो, मतलब दो स्वरों की ध्वनि जब सुनने को अच्छी ना लगे, अप्रिय लगे, तो वह आपका क्या बन जाता है, उसे विसंवाद या विवाद संबंध के नाम से जाना जाता है। जब आपके दो स्वर बजाए जाए या गाए जाए, उनकी संगति मधुर और कर्णप्रिय होती है, तब वो आपका कॉन्सोनेंस बनता है। और वही दो स्वर जब हम एक साथ बजाएं और वो अप्रिय प्रतीत हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, विसंवाद या फिर विवाद संबंध के नाम से इसको जाना जाता है। महर्षि भरत ने षड्ज मध्यम एवं षड्ज पंचम भाव का जो है उल्लेख किया है। इसमें क्या होते हैं, आपके दो दो स्वर का ही समूह रहता है। जबकि इन दो स्वरों में षड्ज मध्यम भाव या षड्ज पंचम भाव उत्पन्न होता है तो ऐसी ध्वनियां जो हैं कानों को प्रिय लगती हैं। अब षड्ज मध्यम भाव में कौन से स्वर आते हैं और षड्ज पंचम भाव में कौन से स्वर आते हैं, अब हम ये जानेंगे। षड्ज पंचम भाव में आपके ये दो स्वर सापा हो गए, रेधा स्वर हो गया, गानी स्वर हो गया, वह माँ और सा। जब हम इन दोनों स्वरों को एक साथ बजाते हैं तो जो ध्वनि है वो कानों को अच्छी लगती है, मधुर लगती है। जैसे हमने सापा को एक साथ बजाया या गाया, रेधा को एक साथ बजाया, तो ये आपके षड्ज पंचम भाव में स्वर आते हैं। और षड्ज मध्यम भाव में आपके ये दो स्वर, ये वाले स्वर आते हैं, सा मा रे पा गा धा मा नी। ठीक है, ऊपर वाले जो थे वो षड्ज पंचम भाव के स्वर हैं और जो नीचे वाले हैं षड्ज मध्यम भाव के स्वर हैं। जब इन दोनों स्वरों को हम बजाते हैं एक साथ तो जो आवाज़ है वो अच्छी लगती है कानों को और मधुर लगती है। कॉन्सोनेंस समझ आ गया होगा कि क्या है, जब ऐसे दो स्वरों की संगति जो सुनने में कर्णप्रिय लगे, मधुर लगे, वो आपका कॉन्सोनेंस है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।